वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, एक अफसोसनाक वाक्या जो है वो रिपोर्ट हुआ है। मुकदमा कटा था न्यू ईयर नाइट पे, जिस पर एक नौजवान की लाश मिलती है पुलिस को और उसके गोली लगी होती है। ना उसका नाम पता होता है, ना वो किस मकाम पर से ताल्लुक़ रखता है, किस जगह से ताल्लुक़ रखता है वो पता होता है। पुलिस FIR का इंदराज करती है और तहकीकात शुरू होती हैं। तहकीकात में पता चलता है कि दो नौजवान जो कि वाकई में मुलव्वस करार पाए, उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाती है। और जब तहकीकात की चीज़ें सामने आती है तो उसमें मालूम पड़ता है कि टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान जो है दोस्त के हाथों बंदूक, जो गोली गन असले का इस्तेमाल होता है, अक्सर हम देखते हैं वीडियोज़ के अंदर, उस पर गोली चल जाती है और उससे जान जो है वो चली जाती है नौजवान की। और फिर उसके दोस्त डर और खौफ में उसकी लाश को एक ऐसी जगह पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। ये पूरा मामला है क्या, इसके ऊपर हमारे साथ हमारे सीनियर चीफ रिपोर्टर हैं असद जैदी साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। असद जैदी साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? दुख भरी कहानी इस वक्त सामने आई है, दुख होता है जब इस तरह के नौजवानों को देखते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो अहम बात यह है कि जब वाकये की बात की जाएगी तो न्यू ईयर है और नौजवान मनचले नौजवानों का जिक्र हम करते थे। पहले देखिए अली रजा, ये होता था कि न्यू ईयर पे या कोई खास इवेंट्स के ऊपर मोटर बाइक्स निकाली जाती थी, राइडर्स सामने आते थे। लेकिन अब ये एक जो जानलेवा एप्लीकेशन जिसको टिकटॉक कहते हैं, जब ये सामने आई तो हमने देखा कि एक तरफ तो नौजवान बेड़ा रवि का शिकार हो रहे हैं, दूसरी जाने मुहल्लिक जो आतिशी असला है उसका इस्तेमाल टिकटॉक पर बहुत ज्यादा हो गया। और उसके साथ साथ मंशियात की बात की जाए या फिर उरियानी की बात की जाए तो वो भी आम होने लगी। और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा न्यू ईयर पे जब एक नौजवान की लाश मिली। जब पहले पहल तो ये पता ना चल सका कि नौजवान कौन है, लेकिन फिर एक एप्लीकेशन सामने आई जिसमें जिक्र हुआ कि एक नौजवान जो है वो गायब है और उसके वालदैन उसको ढूंढते हुए थाने तक आए, तो फिर उस एप्लीकेशन के बाद नाम सामने आया मकतूल अरमान अनवर का कि बिल्कुल जी, जब लाश दिखाई गई तो उन्होंने तस्दीक की हमारा बच्चा। पहले तो उस लाश को जब देखा गया तो उसको एक गोली लगी हुई थी, जिसके बाद ये कहना मुश्किल था कि क्या ये जाती रंजिश है या किसी ने इसको जानबूझकर किसी और वजह से इसकी लाश को फेंका। लेकिन फिर जब तहकीकाती इदारों ने तहकीकात शुरू की और उसके बाद सच्चल थाने में मौजूद जो इंस्पेक्टर है उन्होंने तहकीकात का आगाज किया तो फिर कुछ नाम सामने आए। फिर मकतूल का जब डाटा लिया गया तो फिर सामने दो नौजवानों के नाम आए, समीर और सलमान के, जिनको जब गिरफ्तार किया गया तो फिर पूरा जो पोल है वो खुल गया। ये नौजवान टिकटॉक बनाने की घर से निकले, इनके पास आतिशी असला था, पिस्टल मौजूद था, आतिशी असला समीर नामी नौजवान लेकर आया था, उसको शौक था कि इसी अंदाज से देखिए आप हम देख रहे हैं लोग ना अपनी जान की परवाह कर रहे हैं और सड़कों पर फायर करते दिखाई देते हैं, पानी में फायर करते दिखाई देते हैं, हवाई फायर करते दिखाई देते हैं, छोटे बड़े असले के साथ जो है उसकी जो है वो नमूदारी करते दिखाई देते हैं, उसके साथ तस्वीरें लगाना पसंद करते हैं। और पिछली इसी तरीके से टिकटॉक पर ये ट्रेंड पकड़ चुका है हर चीज का कि उसके अंदर असला बेदरेक दिखाया जा रहा है। बिल्कुल इदारे कार्रवाई करते हैं पर FIR मगर असल यही मसला ये है कि ये तो बहुत कम उम्र नौजवान है, इनके हाथ तक असला पहुंचा कैसे? कुछ वालदैन की भी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? जी देखिए, सबसे अहम बात तो ये थी कि जब ये बच्चों को गिरफ्तार किया गया, दोनों को, समीर और सलमान को, तो उन्होंने बताया कि जब हम टिकटॉक बनाने लगे तो अचानक गोली चली जो कि लग गई अरमान को और फिर उसके बाद हम घबरा गए। इब्तदाई बयान उनका ये कहता है कि हम घबरा गए और फिर उसके बाद हम अपने दोस्त की लाश को फेंक कर वहां से भाग गए। जो लेकिन इसके बाद जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये भी कहती है पुलिस की कि लड़कों के पास से कोई टिकटॉक की वीडियो ऐसी मिली नहीं। लड़कों का कहना है कि हमने वो टिकटॉक वीडियो भी डिलीट कर दी। अच्छा, पिस्तौल बताया जाता है समीर का था और लेकिन सलमान को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उसने जुर्म को छुपाने की कोशिश की। लेकिन जिस बात की तरफ आपने निशानदेही की, देखिए नौ उम्र लड़के किस अंदाज से उनको आतिशी असला मिला, ये तो फिर एक सवालिया निशान इसी कराची पुलिस के सिस्टम पर है कि किस अंदाज से इन नौजवानों के पास वो पिस्टल आया।
आए क्या वो उनके घर में मौजूद किसी साहब का था। अभी कल भी हमने देखा कि तफाक की गोली चलने से एक बच्ची 7 साल इंतकाल कर गई। ये तफाक की गोलियां कैसे चल रही हैं? ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से असले को रखते हैं? ये कौन लोग हैं जिनके बच्चे ही असला उठाकर टिकटॉक का शौक पूरा करते हैं? ये कौन लोग हैं जिन्होंने महंगे फोन या फिर मजबूरन फोन भी दिलवाए हैं और असला भी बच्चों को इजाजत दी हुई है कि लेकर निकले? एक जानिब तो वो वालदैन गुनाहगार, दूसरी जानिब कराची पुलिस का ये सिस्टम गुनाहगार जो कि इतनी आसानी से, क्योंकि असल जदी मसला ये है कि ये अब ट्रेंड बनता जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि बड़े आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि हर शख्स बच्चे असला उठाए हुए वीडियोज बना रहे हैं। और एक वाकया नहीं, इससे कबल भी मुतादित वाकयात ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर भी ये चीज़ें सामने आती हैं। तो मगर इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? आपकी बात होती होगी मुख्तलिफ माहिरीन से, पुलिस अफसरान से, वो क्या बताते हैं कि वो किस तरह की हिकमत अमली बना रहे हैं? कम से कम टिकटॉक पे एक चीज़ आने के बाद पता चल जाता है कि इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई हिकमत अमली? देखिए, जब खुद जो हमारी पुलिस फोर्स है वो टिकटॉक बनाने में मसरूफ रहेगी तो फिर किस तरह मुमकिन है कि वो किसी को ये समझाए? जिस बात का मैं खुद कायल नहीं, मैं उसके लिए दूसरे को कैसे कायल करूंगा अली रजा? दूसरी अहम बात ये है कि उस माँ से पूछिए, उस बहन से पूछिए, उस बाप से पूछिए जिसके दिल पर जब वो जनाजा उठाते हैं तो पत्थर रखकर आंसुओं के साथ वो अपने जवान बेटे की, भाई की लाश को रुखसत करते हैं और मनोमट्टी तले वो जाकर दब जाते हैं। आपने बात की कि कौन लोग जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार हर वो शख्स है जिसने ये टिकटॉक का ट्रेंड डाला और मिलियंस व्यूज दे दिए, जिसने टिकटॉक का ट्रेंड डाला और सैकड़ों कमेंट्स कर दिए किसी एक वीडियो के अंदर भी। देखिए, एक तरफ आतिशी असला है, दूसरी तरफ खतरनाक जानवर है। अब ये ट्रेंड पकड़ चुकी है बात टिकटॉक पर। फिर जो जिन इदारों की आपने बात की, सबसे पहले तो FIA साइबर क्राइम की जिम्मेदारी है कि जब ऐसी चीजें आए तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, मदद लें जहां पर भी जरूरत पड़ती है। देखिए, वफाकी इदारा है, वफाकी इदारे की 10 तरह बहुत आम पॉइंट। लेकिन क्योंकि अच्छा देखिए, हमने ये भी देखा कि हम जहां मरूदुल इल्जाम ठहराते हैं पुलिस को, वहां पुलिस ने ऐसे जब कुछ वाकयात सामने आए तो टिकटॉक को देखते हुए गिरफ्तारियां भी अमल में आई। लेकिन उन गिरफ्तारियों के फौरन बाद हमने ये भी देखा कि ऐसे मनचले मिनटों सेकंडों में बाहर थे। एक तरफ कानून को इस अंदाज से देखिए पास होना चाहिए कि इन लोगों को चाहे तंबीह करने के लिए सख्त सजा मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब क्या अब जब हमने कहा कि जी ये नजर आ रहा है आतिशी असला, छोटा बड़ा असला, तो क्या कोई ऐसे डीलर्स मौजूद हैं जो ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस हैं कि जिनके पास से गोलियां बगैर रिकॉर्ड पे दिए रखे दे दी जाती हैं? बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आजादी, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जी। असला मिल जाता है, एक जानिब रेंट पे असला मिलना, दूसरी जानिब नौ उम्र बच्चों का असले का बेदरेग इस्तेमाल, तीसरी जानिब इदारों की खामोशी, ये तमाम चीजें बेरा रवि की तरफ इशारा करती हैं। हमें जो जो इदारे हैं उनको चाहिए, चाहे वो FIA साइबर क्राइम है, कि इन पे कड़ी नजर भी रखें और कार्रवाइयां। देखिए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है गाड़ी से और नौ उम्र बच्चा चलाता है तो उसके वालिद को पकड़ के लाया जाता है कि तुमने क्यों इजाजत दी। तो ऐसे वाकयात में भी वो वालदैन जो गफलत के मुर्तकिब ठहरे उनकी भी कम वार्निंग देना शुरू करें, इसको भी ट्रेस आउट करें, क्योंकि बहुत बड़े मसाइल हैं मगर फिर बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। बहुत शुक्रिया असद जैदी तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, इस वाक़े के अंदर जहां ये मामला सामने आया कि जहां पर एक बच्चे की जान चली गई, वहां पर दूसरी जानेब दो जिंदगियां जिनकी गिरफ्तारी 302 के मुकदमे के अंदर जो है वो नामजद हो गए हैं और उनके ऊपर तफ्तीश गिरफ्तारी डल गई। आप तसव्वुर तो करें, एक मामूली वीडियो, सिर्फ एक मामूली वीडियो जो है वो किस तरह नुकसान दे सकती है। एक की ज़िंदगी उसको मौत की तरफ ले गई, दूसरी के दो नौजवान अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। बहुत सोचना समझने की ज़रूरत है। जो नाज़रीन मुझे इस वक्त TV पर देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को जब वो वीडियोज़ बना रहे हों तो देखें कि वो किस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, और देखने के बाद उन पर तंबीह करें कि कहीं असला तो नहीं, कहीं तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हुए तो नहीं, कहीं और कोई एडवेंचर करते हुए तो नहीं। तो इसको देखने की ज़रूरत है नाज़रीन।
प्रोग्राम का जो वक्त है वह इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।